भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में चटाई धूल, जीता पहला टेस्ट मैच और सीरीज में कर लिया 1-0 की बढ़त। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के बारे में, जो कि दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 10 अक्टूबर 2019 को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट के चैनल वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इस टाइम पर इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच चल रही है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज, जिसके पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की काफी शानदार परफॉर्मेंस रही थी, जहां पर खासतौर पर टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने काफी शानदार बल्लेबाजी करी दोनों ही पारियों में। तो वहीं मयंक अग्रवाल ने भी पहली पारी में डबल सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड बना दिया था, जबकि टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा तो वहीं मोहम्मद शमी ने भी काफी शानदार गेंदबाजी करी है। इसी के साथ भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच बड़े ही आसानी से जीत हासिल कर ली थी और टीम इंडिया इस 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में भारतीय टीम को यह टेस्ट सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों में से 1 टेस्ट मैच और जीतना है। अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर 2019 थर्सडे को खेला जाएगा पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, और यह मैच सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 9:30 PM से। अब दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में, क्या होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, तो एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे रोहित शर्मा, नंबर 2 पर होंगे मयंक अग्रवाल, जो कि दोनों ही बल्लेबाज इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर होंगे जितेंद्र पुजारा, जबकि नंबर 4 पर होंगे विराट कोहली भारतीय कप्तान। वहीं इसके बाद नंबर 5 पर होंगे अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन, जबकि नंबर 6 पर होंगे विरिद्धिमान शाह विकेट कीपर बैट्समैन। अगर बात की जाए नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर एक बहुत ही बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती है दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि हनुमा विहारी की जगह पर इस मैच में कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है, जो कि कुलदीप यादव लगातार भारतीय टीम से बाहर रहे, चाहे वो T20 हो या फिर ODI या फिर टेस्ट मैच, जो कि वेस्टइंडीज दौरे से ही लगातार बाहर चल रहे हैं। ऐसे में इस मैच में कुलदीप यादव को खिलाए जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जबकि नंबर 8 पर होंगे टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर जडेजा, वहीं इसके बाद नंबर 9 पर होंगे रविचंद्र अश्विन, जबकि नंबर 10 पर होंगे ईशांत शर्मा, वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद शमी, जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट छटकाकर काफी शानदार गेंदबाजी करी थी और टीम इंडिया ने काफी शानदार जीत हासिल की थी पहले टेस्ट मैच में। तो गाइस ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मैच के लिए, जो कि टीम में सिर्फ एक ही चेंजेस हो सकती है, वो ये है कि हनुमा विहारी की जगह पर कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप तो गाइस ये टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या होने चाहिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मैच के लिए और कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।